आज अनीता पंजू बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही है। अरहर मलका की दाल यहाँ बन रही है बहुत ही सादे ढंग से सिंपल मसालों के साथ। और ये जो अरहर मलका की दाल है कम मात्रा में यानी 40 ग्राम दाल बना रही हूँ। और एक छोटा सा प्याज मैंने चॉप कर लिया है और साथ में थोड़े से लहसुन की कलियाँ भी चॉप कर रही हूँ। और ये दाल बिना टमाटर के बन रही है क्योंकि जिसके लिए मैं बना रही हूँ उनके लिए टमाटर नहीं डालना है। आप बताएंगे ये चॉपिंग बोर्ड ना होकर कुछ और है, आप अगर इसको जान गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया जो कि किचन गार्डन का जैविक खाद का है तो इसे भी मैं चॉप कर लेती हूँ बहुत ही आराम से। गाइस मेरे जो पड़ोस में अम्मा हैं इस समय उनका मन दाल चावल खाने का कर रहा है जो कि बहुत ही सिंपल खाना खाती हैं, केवल हल्का मसाले वाला और घी वाला, और उन्हें टमाटर वाली दाल खानी नहीं है तो मैं उन्हीं के लिए थोड़ा सा चावल और दाल बना रही हूँ। साथ में मैं भी थोड़ा खा लूँगी और एक तरह से ये आत्मा को संतुष्टि मिलती है इस तरह की सेवा करने से। यहाँ पर मैंने जब दाल उबाल ली है तो दूसरी कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है एक बड़ा चम्मच। ये पहाड़ी घी जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने लहसुन और कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और ट्रांसलूसेंट होने तक मैंने इसको अच्छी तरह से कौल लिया है। आजकल की इतनी फास्ट ज़िंदगी में सभी लोग पिज्ज़ा बर्गर खाना खूब पसंद कर रहे हैं लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को तो सादा और सिंपल खाना ही पसंद होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ अम्मा जी के लिए बना रही हूँ अरहर मलका की दाल। यहाँ पर मैंने छौंक दिया है और दो सीटी में ही मेरी ये दाल गल गई थी अच्छी तरह से। थोड़ी सी ये दाल मुझे गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं एक गिलास के करीब गर्म पानी यानी जो गुनगुना पानी है उसे डाल देती हूँ ताकि अम्मा चावल के साथ मिलाकर इसको अच्छी तरह से खा सके। और यहाँ पर जो कुकर में मैंने दाल उबाली थी उसमें भी दाल लगी हुई है उसको भी अच्छी तरह से पानी डालकर मैं इसका जो पानी है इसी दाल में उड़ेल देती हूँ। गाइस मैं तो जो दान समझती हूँ वो अन्न का दान सबसे बड़ा दान समझती हूँ। और सेवा अगर हम बुज़ुर्गों की कर दें वो किसी भी रूप में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हम अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ, अगर हम बगल के बुज़ुर्गों को भी अगर हम अन्न का दान दें अन्न खिला दें अपने घर में ताज़ा ताज़ा बना के तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मा है वो हमें दुआ देगी। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी भी डाल दिया है, दाल अच्छी तरह से उबल गई है और लो मीडियम फ्लेम पर ये दाल अच्छी तरह से पकने के बाद अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है तो अम्मा इसको शौक से खाएगी क्योंकि ये बहुत ही कम मसालों में बनी हुई दाल है। और दोस्तों क्या आपने कभी इसी तरह से किसी बुज़ुर्गों को खिलाया है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते ना ही उन्हें नमक पसंद होता है तो यहाँ तो टमाटर डालने के लिए भी उन्होंने मना करा था। और देखिए छोटे से टेक में मैंने 100 ग्राम यानी 2 मुट्ठी चावल बनाया है, थोड़ा मैं खा लूँगी और थोड़ा वो अम्मा जी के लिए मैं यहाँ परोस रही हूँ। और अम्मा जी आज बहुत खुश हो जाएंगी क्योंकि अक्सर उन्हें जो है कभी कभी, वैसे तो वो बाहर का खाना नहीं खाती हैं लेकिन कभी कभी उन्हें दाल चावल खाना बहुत पसंद है तो मैंने कहा था उन्हें कि मैं अपने हाथ का दाल चावल आपको ज़रूर खिलाऊंगी। तो आज मेरी छुट्टी है और मैंने कहा चलो अम्मा जी को इस तरह से अरहर मलका की दाल अपने हाथों का बनाया खिलाऊं, गरम गरम उन्हें बना बनाया खाना मिल जाएगा तो वो बहुत ही खुश होंगी। और वैसे भी अपने हाथों से बनाया खाना अगर हम किसी को भी खिलाते हैं या कोई हमें अपने हाथों से बना खिलाता है तो हमें ज़रूर खुशी होती है। यहाँ पर इतनी दाल बच गई है, बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी डाल देती हूँ क्योंकि अम्मा जी को कटा हुआ प्याज भी बहुत पसंद है। तो आप देखेंगे हमारे बुज़ुर्ग कि आप इस तरह से सेवा करिए, चाहे वो घर के हों चाहे बगल के हों चाहे रिश्तेदारी के बुज़ुर्ग हों, और उन्हें देखिए मैंने जब खाना खिलाया तो उन्होंने थाली भी अच्छी तरह से धो के दे दी। यही तो हमारे भारतीय बुज़ुर्गों की शान है। स्वच्छता के साथ मैंने उन्हें भोजन खिलाया तो कैसा लगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें।